सोनभद्र, स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस व कैंट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 13 तारीख को झारखंड के व्यवसायी से लगभग 2.5 लाख के लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने दबोचा, 3 अभी फरार। लूट के 35,000 रुपए व एक मोटरसाइकिल बरामद। मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को कुरवा जंगल से टीम ने दबोचा। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कौन थाना क्षेत्र का मामला। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। ये 13 अप्रैल की सुबह 7:45 एक लूट हुई थी जो गढ़वा के झारखंड के व्यापारी के वसूली का पैसा था, जिसमें 2 लोग वसूल कर लिए जा रहे थे। तो कुड़वा जंगल जो पिंडमगंज और कोन के मार्ग में पड़ता है जंगल है, वहाँ पर 3 बाइक सवार लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उसी दिन 392 IPC का मुकदमा थाना कोन में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद कल 17 तारीख को 2 लुटेरों को पकड़ा गया है, जिसमें से एक सत्येंद्र कुमार मेहता है और दूसरा जितेंद्र रजक है। ये सत्येंद्र कुमार पहले उस व्यापारी का, जो कपड़ा व्यवसायी का, जिसका पैसा वसूल करके जा रहा था, उसके यहाँ पहले यही वसूली का काम करता था, तो इसको पूरा प्रकरण पता था कि कहाँ से वसूलते हैं और कैसे जाते हैं रास्ते में और कहाँ सुनसान जगह पड़ती है। तो इसने एक जितेंद्र रजक के माध्यम से, एक जो वहाँ का काफ़ी कुख्यात अपराधी है विकास कुमार और दूसरा है जितेंद्र कुशवाहा, इनको इनके माध्यम से इसको लूट का की प्लानिंग की थी। तो 3 तारीख को, पहले 3 अप्रैल को ये लोग रैकी भी किए कराए थे उसको, और इसके बाद एक अटेम्प्ट 6 तारीख को हुआ था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। फाइनली इसमें जो अपराधियों ने जो घटना को अंजाम दिया था, उसमें एक विकास कुमार है और दूसरा है जितेंद्र कुशवाहा और छोटू, तो इनको अभी नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मूल रूप से घटना की पृष्ठभूमि तैयार करने में, उनको रैकी कराने में और पूरा उसमें सहयोग किए थे, और जैसे ही लूट हुई तो इसके बाद इनके पास गए थे तो पैसे का बंटवारा हुआ था, और इसमें करीब एक को, इसमें सत्येंद्र रजक को 50,000 रुपये मिला था और जितेंद्र रजक को 20,000 मिला था, जिसमें से 35,000 रुपये की अभी बरामदगी हुई है। जो घटना में मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, उस मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। ये मोटरसाइकिल भी सत्येंद्र रजक की है, और साथ साथ इस ये 2 मोबाइल भी इनके बरामद किए गए हैं जो घटना के समय भी यूज हुए थे। और इस पूरे प्रकरण के खुलासे में हमारी स्वाट सर्विलांस SOG और थानाध्यक्ष कोन ने बड़ी मेहनत करके ये गढ़वा से के मुलजिमों को पकड़ा है, और ये सारे अभियुक्त भी गढ़वा झारखंड के हैं और अंतर राज्यीय अपराधी हैं, और जो व्यापारी हैं वो भी उसी क्षेत्र के थे, तो ये लगभग बॉर्डर पर ही वो घटना हुई थी।